दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि गलती कोई करता है और सजा कोई भुगतता है। ऐसे ही आज एक आपको बहुत बड़ी गप सुनाता हूँ कि हमारे श्री श्री पूजनीय चित्रू के पापा नींबू, जिन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है और जिसकी सजा बेचारा दिलू दादा आज 15-20 दिन से भुगत रहा है। तो आज मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देखना, और तगु राजस्थानी को आपने फॉलो या नहीं किया है तो फॉलो कर देना, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि शानदार एक हंसी मजाक की गप है। हुआ क्या था कि कुछ दिनों पूर्व हम बैठे थे 10-15 लोग, और मैंने हंसी मजाक में किसी ने कहा कि भाई दिल्लू दादा के नंबर हैक नहीं है, बात करते हैं। तो वैसे दिल्लू दादा मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो मैंने कहा मेरे पास नंबर है, मैं कॉल करता हूँ, गप सप लगाते हैं दिल्लू दादा से। तो मैंने काफ़ी लोग 10-15 लोग बैठे थे, मैंने स्पीकर ऑन करके दिल्लू दादा को फ़ोन किया, और दिल्लू दादा को मैंने यही पूछा कि भाई आपके क्या हाल चाल है, कहाँ रहते हो, आजकल कैसी कॉमेडी चल रही है, आपकी वीडियो कैसे चल रही है। तो ऐसे बात चल रही थी, उतने में ही हमारे पूजनीय चित्रू के पापा आ गए और उन्होंने दिल्लू दादा से मोबाइल ले लिया और मोबाइल पर गाली गलौज शुरू कर दी। तो गाली गलौज करके मोबाइल काट के मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाई आपका लोकेशन बताओ, आप कहाँ हो, क्यों गाली क्लोज कर रहे हो। इतने में मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक भाई, फिर मुझे भी गुस्सा आया और मैंने भी, गलती तो दिलू कॉमेडी ने की है चित्रू के पापा ने, लेकिन मोबाइल दिलू दादा का था, मैंने दिलू दादा को फ़ोन किया, दिलू दादा के मोबाइल से मुझे गालियाँ दी गई। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, गालियाँ तो चलो चित्र पापा ने दी, मोबाइल दिल्लू दादा का था, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को पूरा देखोगे मज़ा आएगा। फिर क्या हुआ कि मुझे भी थोड़ा दर्द हुआ कि आज स्पीकर ऑन है, मेरी भी रेपुटेशन है, 10 लोग पास में बैठे और हमने फ़ोन किया तो समाचार पूछने के लिए और गप सप लगाने के लिए, लेकिन उल्टा हमें गालियाँ निकाली, इसका मतलब कुछ इनको करना पड़ेगा। तो मैंने बैठे बैठे फेसबुक चेक की और मेरे पास दो ऐसे कॉपी राइट के कंटेंट मिल गए जो वीडियो मैच कर रहे थे दिल्लू दादा के। तो मैंने 2 स्ट्राइक दिल्लू दादा को दे दी हाथों हाथ ही, और 2 स्ट्राइक देने के बाद दिल्लू दादा की पूरी दुकान, मतलब उसका जो पैसा आ रहा था सोशल मीडिया से, वो सारा क्लोज हो गया और डीमोनेटाइज पेज हो गया। डीमोनेटाइज पेज हुआ तो दिल्लू दादा इधर उधर भागने लगा, 10-15 दिन तो इधर उधर भाग दौड़ लगाई, लेकिन मामला बैठा नहीं है, क्योंकि दिल्लू दादा को पता था कि भाई गलती तो चित्रू के पापा ने की है, गालियाँ चित्रू के पापा ने निकाली है और सजा बेचारा दिल्लू दादा भुगत रहा है। ऐसे करके अभी दिल्लू दादा जी हमारे पास आए हैं आज और मुलाकात की है, क्योंकि दिल्लू दादा से पहले मेरे फ़ोन पर तो कई बार बात हो चुकी है, लेकिन आमने सामने बैठ के बात नहीं हुई। तो आज हमने बिल्कुल आमने सामने बात की है और बैठ के समझौता किया है। तो दिल्लू जी आए हैं, आपको दिख रहे हैं, ठंडा ठंडा पिलाया है, दिल्लू जी की सेवा की है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि गलती कोई करता है और सजा कोई भुगतता है। तो मेरा यही कहना है भाई, क्योंकि वो आदमी कैसा है कैसा नहीं है सबको पता है, क्योंकि उसके सगे भाई है, वो भी वीडियो बनाते नहीं है उसके साथ में, और ना वो कोई उसके साथ में बैठता है। तो ऐसे लोगों से मेरे हिसाब से दूरी बना लेनी चाहिए, वो किसी के नहीं, वो अपने स्वार्थ के। और जब दिलू दादा फंसा और उसके सारे चैनल डीमोनेटाइज हो गए, तो वो क्यों नहीं आया सामने? उसको हेल्प करनी चाहिए कि भाई मेरा साथी है, मेरी वजह से इसका चैनल दिलू दादा का डीमोनेटाइज हुआ है, तो मैं हेल्प करूँ, लेकिन वो नहीं आया सामने, बेचारा दिलू दादा फंस गया। इसलिए भाई हमें भी दया आ गई कि दिल्लू दादा वैसे शारीरिक रूप से थोड़ा विकलांग भी है, तो दया देखनी पड़ती है ऐसे काम है। इसलिए हमने आज समझौता करके दिल्लू दादा की जो स्ट्राइक थी वो वापस ले ली और मोनेटाइज के लिए अपील कर दी है। चलते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा इधर उधर बिजी था, और आपने तगु राजस्थानी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को शेयर करना। और इसमें गलती किसकी थी आप समझ गए होंगे कि जिम्मेदार कौन था। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।